आपके विद्वताकरण वचनों को सुन रहती है। समझ में आ गई कि आप ही स्वयं कपिल मुनि भगवान नारायण के अवतार हैं। यह सब जो कुछ भी है आते का आदर करें, जाते का सम्मान, ना जाने किस देश में मिल जाए भगवान। आप तो परब्रह्म परमेश्वर का स्वयं कपिल मिल गए, आप भी मुझे उपदेश करें। तब उनको भगवान भरत जी के सत्संग के द्वारा ही और रघुवर को भी क्यों उपदेश देना चाहा? रघुवर के लिए इसलिए कहा कि यदि मैं उपदेश नहीं करूंगा तो ये राजा अगर मैं कथा सुनने के लिए जाएगा, अपमान के बस में जाएगा, तो कुछ कुछ भी इसके हाथ को ले पड़ेगा ना, और फिर ये नरक में जाएगा ना, तो जगत से सत्संग की महिमा उठ जाएगी। इसलिए भरत जी ने उनको ज्ञान सत्संग करके सुनाया और अंत में रघुवर को भी भागवत मुक्ति मिली। बोले कृष्ण का नैया लाल की जय। और कहने का मतलब शास्त्रों की रचना मनुष्य के कल्याण के लिए की गई है। भागवत में एक जगह पर मनुष्य के जन्म की बड़ी भारी स्तुति की है। अहो अमीषा किम कार्य शोभनम, प्रसन्न एषो स्वदबिम्बहरिम, ये जन्म लब्धो न सुभारताजिरे, मुकुन्दो पैकम स्प्रहारिना। भागवत में मानव जन्म की बड़ी स्तुति की है और रामचरितमानस में भी एक जगह स्तुति की है। अरे बड़े भाग्यवान नुसरतन पावा, बड़े भाग्यवान नुसरतन पावा, सुखदायक अवसर रही थी। और कथा करते करते व्यास जी के पास में एक यजमान आए और महाराज जी आप इतने दिन से कथा कर रहे हो, आज की कथा में हमारे गांव के बहुत बड़े सेठ जी मुखिया जी आए हैं। पहले गांवों में मुखिया जी होते थे ना, बहुत बड़े मुखिया जी हैं, सेठ जी हैं। तो जो बड़े सेठ होते हैं ना, वो किसके भूखे होते? सम्मान की। कथा में व्यास जी ने भागवत से कह दिया कि आइए बैठिए सेठ जी। सेठ जी एक माननीय शब्द है, वैसे तो बनियाओं को सेठ जी कहते हैं, लेकिन बड़ा आदमी कोई सेठ जी अपटे नहीं। आओ आइए बैठिए सेठ जी। सेठ जी आकर के बैठ गए और कथा चालू हुई। और कथा जैसे ही चालू हुई तो एक दीवार के सारे अखंड समाधि लग गई, नींद आ गई, कथा तो सुनी नहीं। और जैसे ही कथा की आरती की तैयारी हुई, जय जयकार हुई, बोल बाल कन्हैया लाल की, तो वो भी जय जयकार करके वापस जाने लगे। तो व्यास जी ने व्यास गद्दी से उन्हें कह दिया, फिर आइएगा कभी शेर जी, फिर आइएगा कभी। शेर जी ने जाते जाते विचार किया, महाराज जी बड़ी अच्छी कथा करते हैं और कथा कुछ भी नहीं सुनी, केवल इतनी सुनी, आइए बैठिए, आइए बैठिए। और जाते समय शेर जी फिर आइएगा कभी, ऐसा सुनकर के जा रहे हैं। ध्यान देना कथा में रात्रि को जा करके सहन करने लगी। कई लोग दिन में कुछ सुनते हैं ना, उसको रात में सपना भी देखते हैं। शेर जी रात को सोए हुए थे और उनके घर में चोर आ गए और चोर आकर के इधर उधर सामान देखने लगे। ऐसी केवा आई है जी। और शेर जी उस समय सो रहे थे और सपना चल रहा था कथा का।
तो कई लोग सपने में बोलते भी रहते हैं।